जय श्री राम। पूजी प्रश्न ये है कि आपने बोला कि सुंदरकांड या ना। आपका हाँ जी प्रश्न ये है। आप नीचे उसमें हाथ ना लगाओ ताकि वो कैच करे लाइन। हाँ जी, जी। प्रश्न ये है कि आपने जो आदेश दिया कि मंगलवार को सुंदरकांड करने के बाद सुंदरकांड यज्ञ करना चाहिए, तो वो कैसे करना है आप कृपया बता दीजिए। क्या नाम है? भूमिका मोदी। तमे गुजराती छे? हाँ जी। शू नाम छे तमारो? भूमिका, भूमिका मोदी। हूँ गुजराती छे। आपकी कृपा, आपकी कृपा। सदा खुश रहो। नकारात्मक ऊर्जा ये भाई बीच में चींचा बंद करो। तुम्हें पैसा पूरे लेना है पर काम सो गजवाई करोगे तुम। मतलब भारत में ऐसे लोग पाए जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गए। नहीं आए तो भारतीय ही हमारा स्वभाव है, बुरा ना मानना कि कल तुम हमारा गला बैठा दो। आओ, आओ कोई ठिकाना थोड़ी। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, बहुत सुंदर प्रश्न है। ताली बजाकर बहन को धन्यवाद दें। बालाजी दया कर। उत्तर, सुंदरकांड का हवन यज्ञ करके चौपाइयों की आहुति करना बहुत लाभकारी है। इसका विधान, पहली बात तो नकारात्मक ऊर्जा, कोई नया भवन, नई फैक्ट्री या कुछ ऐसा लिया हो वहाँ करना उत्तम है। पर अगर साधक की दृष्टि से आप करना चाहते हो, मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करें, प्रातःकाल पाठ करें। इसके बाद में हवन सामग्री, तिल, जौ, चावल, घी, शक्कर, प्रसाद, मेवा मिष्ठान, पंचोपचार पूजन की सामग्री रख लें, पुष्प रख लें और कपूर आदि सामग्री आप रख लें। इसके बाद में पाठ, पहले राम जी का ध्यान करें, लाल आसन पर बैठें, दीप प्रज्वलित करें, जब तक हवन ना हो जाए तब तक दीप जलता रहे, ऐसे दीपक की व्यवस्था करें। राम जी का, गणेश जी का, राम जी का ध्यान करके हनुमान जी का ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें, अग्नि का प्रज्वलन करें। अगर मंत्र आ सकें तो ठीक है, नहीं तो भाव मंत्र के द्वारा आप जो है अग्नि भगवान का ध्यान करें। अग्निदेव का ध्यान करने के बाद वेदिका का ध्यान करें, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में वेदिका का ध्यान करें। इसके बाद में पहले गणेश जी के मंत्र की 5 आहुति डालें, फिर इसके बाद में फिर आप अपने कुल देवताओं के नाम की आहुति डालें। ठीक इसके बाद में सुंदरकांड की प्रत्येक चौपाई, एक चौपाई बोले, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। जैसे उसमें एक और चौपाई, प्रवश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जय तय अग्नित जोधा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस प्रकार आप हवन करें, इसके बाद में प्रसाद दें, जल से मार्जन करें, मार्जन करने के बाद में आरती करें, आरती करने के बाद में प्रसाद दें। ब्राह्मण की व्यवस्था हो तो बटुक के द्वारा करवाएं, बटुक ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है, विदेश में रहते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है, उस वक्त आप जो है बेटियों के लिए, गरीबों के लिए थोड़ा सा दक्षिणा अर्पण निकाल लेवें, वहां समर्पित कर देवें, तो आप अपने सुंदरकांड के हवन का फल प्राप्त कर सकते हैं।